वेलकम टू अरविंद सिंह एकेडमी। वी हैड डिस्कस कूलम्स लॉ, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था और आपने उम्मीद है कि उसको अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो पहले उस वीडियो को जरूर देखें और उसको अच्छी तरह से समझें, क्योंकि आज हम लोग उसी कूलम्स लॉ के बेस पे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे न्यूमेरिकल्स, दैट इज द एप्लीकेशन बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ, एंड वी विल हैव अ डिस्कशन ओवर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स एज वेल। So, let us see what are the questions and how we can solve it. तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं आज का, जो कि है कि दो चार्ज जो एक दूसरे से सेपरेट किया हुआ है 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। मान लेते हैं कि एक चार्ज है, टू चार्जेज, क्वेश्चन लिख देता हूं, टू चार्जेज चार्जेज Q1 दैट इज प्लस 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 कूलम, एंड Q2 दैट इज 3 इंटू प्लस 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 कूलम आर सेपरेटेड सेपरेटेड ईच अदर बाय डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन एयर। एयर कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन रिपल्सन क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव चार्जेज है तो इनके बीच में जो होगा वो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। तो यहां पर हमें दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है जी? Q1 दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 कूलम, Q2 भी दिया हुआ है कितना, 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 कूलम, और R दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर दैट इज 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस जो होगा ऐसा यूनिट में मीटर में होगा। वी नो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है आपको पता है, और K क्या होता है, 1/4πε0, जिसकी वैल्यू हमने बता रखा है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 होती है। इस Q1 की वैल्यू हमने लिख दिया 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7, इस Q2 की वैल्यू भी लिख दिया 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 फुल डिवाइडेड बाई आर है 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। सो व्हाट विल हैपन, ये देखो 9 इंटू 2 इंटू 3 ये आ गया कॉन्स्टेंट, 9 का 10 का पावर 9 है और 7 7 14 है, तो 10 का पावर 9 माइनस 14 10 टू दी पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10 का पावर माइनस 4, स्क्वायर करने पे माइनस 4, 9 से 9 कैंसिल हो गया 6 हो गया, 3 2 जा 6, ये माइनस 4 ऊपर जाके प्लस 4 होगा, तो माइनस 5 डिवाइडेड 10 टू दी पावर माइनस 1, इसका मतलब हो गया 0.6/10, 0.6 न्यूटन का फोर्स लगेगा, तो इसमें जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा वो 0.6 न्यूटन का होगा। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा ये न्यूमेरिकल। इसी तरह का अब अगला एप्लीकेशन लिखते हैं, थोड़ा सा पिछला न्यूमेरिकल में, ये देखिए ये 30 सेंटीमीटर था तो यहाँ पे 30 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 होना चाहिए, इसलिए एक जीरो मिसिंग है और इस एक जीरो को थोड़ा सा हम लिख देंगे, कितना हो जाएगा ये 2 जीरो हो जाएंगे, तो नीचे 10 टू दी पावर माइनस 2 बचेगा, माइनस 2 पर जाकर के मल्टीप्लाई प्लस होगा तो ऊपर जाके माइनस 5 प्लस माइनस 2 10 टू दी पावर माइनस 3 रह जाएगा, तो 10 टू दी पावर माइनस 3 न्यूटन का फोर्स लगेगा, दैट इज 0.006 न्यूटन, वही ज्यादा अच्छा है, ये लिख देते हैं 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 न्यूटन, ठीक है ना। ये 30 का स्क्वायर 100, ये जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा यानी 20, तो यहाँ माइनस 2 रह जाएगा फिर, और माइनस 2 ऊपर जाके प्लस 2 होगा तो ये माइनस 3 रह जाएगा, 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 न्यूटन, सॉरी थोड़ा दिमाग से उतर गया था। अगला क्वेश्चन है, टू पॉजिटिव आयंस
two positive ions carrying equal charges are separated by distance 5 angstrom to each other. The electrostatic force of repulsion, is 3.7 into 10 to the power minus 9 Newton. Calculate the number of electrons missing from each one of them. Right? This is the question. So here Q1 is not given, but given Ne, and Q2 is also same. Q2 is equal to Q1 is equal to Ne, right? Now the charge, charge is quantized, and number of N is number of electrons missing, then charge will be plus Ne. Okay? Distance R is 5 angstrom. 1 angstrom is 10 to the power minus 10 meter. ठीक है, सो ये हो गया 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर, एंड फोर्स इज गिवेन 3.7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 न्यूटन. नाउ वी नो फ्रॉम द कूलम्स लॉ दैट एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, है ना. सो व्हाट विल हैपन, एफ क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर. इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3.7 इंटू 10 टू दी पावर 9 माइनस 9, और यहाँ k होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9. q1 का मतलब any और q2 का मतलब भी any, डिवाइडेड बाई r स्क्वायर 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 का होल स्क्वायर. अब इससे मिल जाएगा ये 3.7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई, ये चीज उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25, 10 का पावर माइनस 20, ये इधर आके डिवाइड हो जाएंगे 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, और इधर हो जाएगा एन स्क्वायर ई स्क्वायर. ठीक है, अब इसको ई क्या होता है, ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. सो वी कैन राइट, यहाँ पे अभी देखिए थोड़ा सा कैंसिल कर लेते हैं या देख लेते हैं, 3.7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 29 प्लस 9, ये दो जाके ऊपर माइनस 9 प्लस 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो होगा ये भी ऊपर जाके माइनस 9 हो जाएगा, है ना. 10 टू दी पावर 9 ऊपर जाके 10 टू दी पावर माइनस 9 हो जाएगा. सो ये होगा 10 टू दी पावर माइनस 29 एंड माइनस 9 माइनस 38, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई 9, और ये है 25 इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम का होल स्क्वायर. सो व्हाट विल हैपन, इन फैक्ट 3.7 इंटू 10 टू दी 25 by 9, 25 into 10 to the power minus 38 divided by 9 is equal to n square into 1.6 into 1.6 into 10 to the power minus 38. अब ये 10 to the power minus 38 जो है वो क्या होगा, इस 10 to the power minus 38 से कैंसिल हो जाएगा. 1.6 into 1.6 is 2.56. सो पॉइंट अगर हटा दे तो नीचे 10 यहाँ 10, ये होगा 2.56, और आप इसे चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ पे भी डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, ये 256 हो जाएगा. अभी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, और लगभग ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये पूरे कैंसिल हो जाएंगे कितनी बार में, अगर हम इसे
जीरो लिखे, नीचे एक ऊपर मल्टीप्लाई करें तो नीचे एक डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये 256 अप्रोक्सीमेटली कट जाएगा, है ना। 9 4 36, ये भी अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट विल हैपन, एन स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दो टेन से ये इधर के दो टेन कैंसिल हो गए, तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसका मतलब हुआ एन इज इक्वल टू 2। सो दोनों ही आयंस में से दो दो इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, ये बात हमें पता करनी थी। आई होप आपको समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन इज देयर टू चार्जेज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू चार्जेज क्यू एंड क्यू आर एट डिस्टेंसेज x and x by 2 from a third charge 4q. Two charges q and q are at distances x and x by 2 from a third charge 4q. The net force at charge q at charge q is zero, right? Net charge at q is zero. Calculate the force, the value of q in terms of ये। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए देखिए जरा क्या है, q एंड q आर एट डिस्टेंसेज x एंड x by 2, ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। सो एक चार्ज है यहां पे, मान लेते हैं 4q, ये चार्ज है 4q, यहां से x डिस्टेंस पर ये कैपिटल q है और x by 2 डिस्टेंस पर स्मॉल q है, तो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस है x by 2 और यहां से फिर उतना ही डिस्टेंस पर यहां पर जो है वो q चार्ज, यहां पर q चार्ज है, ये डिस्टेंस यहां से इस तीसरे चार्ज से कितना है x है, इस चार्ज पे नेट, यहां पे नेट फोर्स जो है वो क्या है जीरो। तो f1 अगर मान लेते हैं कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय ये पॉइंट अगर मान लिया जाए, नाम दे दें ए बी सी, लिख देते हैं। सो फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज क्यू एट बी, देयरफॉर लेट एफ वन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज क्यू ड्यू टू q is given by q, then क्या होगा, ये यहां पर जो फोर्स लगेगा उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, तो f1 होगा k q into q upon, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कितना रहेगा x by 2 रहेगा, क्योंकि पूरा x है, ये x by 2 है, तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा x by 2, तो ये होगा x by 2 का होल स्क्वायर। ये फोर्स b पे किधर की ओर एक्सपीरियंस होगा, ये रिपल्सिव फोर्स होगा, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी ये होगी अवे फ्रॉम b टुवर्ड cb, अलोंग cb, अलोंग cb जो फोर्स लगेगा वो होगा अलोंग cb, ठीक है। अब F2 जो फोर्स है वो A की वजह से मान लेते हैं। सिमिलरली इफ F2 बी द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय
by charge q at B due to charge 4q at A, then F2 is equal to kq into 4q divided by इनके बीच का भी डिस्टेंस है x by 2 होल स्क्वायर, और ये जो फोर्स होगा वो किधर होगा, यहां से A की वजह से जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव हुआ तो इधर की ओर होगा, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, ठीक है, इसलिए दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड ये होगा अलोंग BC, and therefore, since net force at B is zero, therefore, magnitude of F1 must be equal to magnitude of F2, क्योंकि direction तो opposite है ही है, तो equal और opposite होना चाहिए, इसका मतलब हुआ कि KQ into 4Q upon x by 2 whole square is equal to k q into q upon x by 2 का whole square. तो आप देख रहे हैं कि बड़े प्यार से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, q से q कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब सीधे क्या आ जाएगा, तो q is equal to 4q और यही हो गया आंसर. ये फोर्स भी, ये चार q कितना होना चाहिए, 4q, तभी यहाँ पे नेट फोर्स जीरो होगा. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. अगला न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रो कूलम ड्यू टू another a small charge sphere of small sphere of charge a small sphere of charge a sphere of charge minus 0.8 microcoulomb is 0.2 Newton. Now we have to calculate the distance between two charged body. Two charged sphere. ठीक है? तो ये हो गया. दूसरा, calculate the force experienced by second sphere due to first sphere ठीक है, ये है क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक बात समझ में आ रही है कि पहला चार्ज जो है वो है Q1 0.4 माइक्रोकूलम, दैट इज 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, दैट इज 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम. Q2 इज गिवेन माइनस 0.8 माइक्रोकूलम, and that can be also written as 8 into 10 to the power minus 7 coulomb, है ना? दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो है 0.2 न्यूटन. ये है, हमें निकालना है r, we have to find r, distance of separation. तो हमें r निकालना है. अब हम R के लिए फोर्स इज इक्वल टू, यू नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. फोर्स का मैग्नीट्यूड 0.2 न्यूटन दिया है, ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7,
ये है माइनस एट, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है क्योंकि ये साइन तो सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव नेचर का होगा कि रिपल्सिव नेचर का होगा, -7। और डिस्टेंस इन दोनों के बीच का हमें निकालना है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया, अगर इसको हम लिखे आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 4 जा 32 या 9 8 जा 72 इंटू 4 इंटू 10 to the power -5, 7 7 14 -9 is -5 डिवाइडेड बाय 0.2। 0.2 का मतलब 2/10, सो दिस 2 विल कैंसिल बाय 2 टाइम्स और ये जो होगा, इवन आप नीचे एक 10 डेसिमल हटाएं तो नीचे एक 10 लिख सकते हैं, ये 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा तो 10 to the power -4 रह जाएगा और ये 144 इंटू 10 to the power -4। नाउ देयरफॉर आर इज इक्वल टू, आर निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट होगा 144 इंटू 10 to the power -4। 144 का स्क्वायर रूट 12 इंटू 10 to the power -2 मीटर, दैट इज 12 सेंटीमीटर। ये हो गया डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। अब हम ये जानते हैं कि दोनों चार्ज एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं, यू नो दैट F12 इज इक्वल टू F21, मैग्नीट्यूड में दोनों फोर्स बराबर होते हैं, तो पहला दूसरे पे जितना फोर्स लगाएगा दूसरा पहले पे उतना ही फोर्स लगाएगा, इसलिए अलग अमाउंट ऑफ फोर्स नहीं होगा, बट दे आर अट्रैक्टिव इन नेचर, बट दे आर, दोनों चार्ज अपोजिट है इसलिए दे आर अट्रैक्टिव नेचर, अट्रैक्ट, दे विल अट्रैक्ट इच अदर, they will attract each other, ठीक है, ये होगा। तो पहला दूसरे पे जितना फोर्स लगाएगा दूसरा पहले पे उतना ही फोर्स लगाएगा, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन आ गया 12 सेंटीमीटर। अब एक अगला सवाल और कर ले, टू इंसुलेटेड कॉपर चार्ज कॉपर स्फीयर, इंसुलेटेड कॉपर स्फीयर, स्फीयर ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 0.5 मीटर, ठीक है। इफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, if the charge on each sphere, charge on each sphere is 6.5 into 10 to the power minus 7 coulomb, then what is the electrostatic force of repulsion, static force of repulsion, ये क्वेश्चन, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। हियर द साइज ऑफ कॉपर स्फीयर इज नेग्लिजिबल, रेडियस ऑफ कॉपर स्फीयर, रेडियाई ऑफ कॉपर स्फीयर, रेडियाई ऑफ कॉपर स्फीयर इज आर नेग्लिजिबल, रेडियाई ऑफ कॉपर स्फीयर्स आर नेग्लिजिबल। There can be another question as well. If the charge on both sphere is double, both sphere is doubled, but the distance of separation is half. Distance of separation is half. Half. ठीक है? Then what will be the force of attraction? Then
then what will be the force of attraction? What will be the force of repulsion? What will be the force of repulsion? Force of repulsion. ठीक है, ये दो कॉपर स्फीयर है ए और बी, उनके बीच का डिस्टेंस है 0.5 मीटर, आर दिया है 0.5 मीटर, यहाँ पे 0.5 मीटर, चार्ज दोनों पर ही है q1 q2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 6.5 इनटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। अब आपको इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बतानी है, ठीक है। सो फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, दैट कैन बी रिटन एज 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, क्यू वन का मतलब हुआ 6.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7, क्यू टू भी हो गया 6.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाई आर है 0.5 मीटर का होल स्क्वायर, है ना। तो 0.5 को 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 1 भी लिख सकते हैं। अब ये फोर्स ऑफ बताना है कि क्या हो, ये फोर्स आप लिख सकते हैं 9 इंटू 6.5 दैट इज डेसिमल हटा दें तो 65 लिख सकते हैं, और इंटू 65 डिवाइडेड बाई ये 5 इंटू 5 लिख दिया इसको भी, और ये 10 टू दी पावर माइनस 14 था, ध्यान से देखिए माइनस 7 माइनस 14, ठीक है। एक डेसिमल यहाँ, डेसिमल के बाद एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, दो पॉइंट है, और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो दो पॉइंट यहाँ भी मिलेगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे सिर्फ 10 टू दी पावर माइनस 7, 10 टू दी पावर माइनस 7 है माइनस 14 और प्लस 9, 10 टू दी पावर माइनस 5 रह जाएगा। 5 से ये कैंसिल हो गया 13 टाइम्स, 5 से ये कैंसिल हो गया 13 टाइम्स, 13 × 13 × 9 × 10 to the power 5, 13 × 13 is 169, and 169 × 9, that is 9 × 81, and 16 × 144, and 8 = 152. So 1521 × 10 to the power minus 5 newton, this will come, and that is called 110 to the power 5, that is 0.1521 newton, right? इतना न्यूटन होगा, ये 0.01521 न्यूटन, ऐसे लिख देते हैं, 0.5 प्लस शिफ्ट होगा 0.01521 न्यूटन, इतना फोर्स लगेगा दोनों के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना रहेगा। अब सवाल का दूसरा सेगमेंट क्या है, सेकेंड पार्ट है, इफ Q1 इज डबल एंड Q2 इज आल्सो डबल एंड R बिकम हाफ, न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ डैश मान लेते हैं, तो दैट विल बी के 2Q1 2Q2, ठीक है, 2Q2 अपॉन R बाई 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बाई 4, सो दैट विल बी, दिस 4 विल आल्सो कम इन न्यूमरेटर, 16 टाइम्स ऑफ K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज 16 टाइम्स ऑफ फोर्स, क्योंकि ये K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर क्या है, F, यानी पहले वाले फोर्स से डिस्टेंस कम होने पर रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा, कितना गुना बढ़ जाएगा जी, 16 टाइम्स बढ़ जाएगा, सो नेट फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड एज 16 × 0.01521 न्यूटन, दैट कैन बी रिटन एज 16 × 1 = 16, 6 carry 1, 16 × 2 = 32, एंड 1 = 33 carry 3, 16 × 5 = 80, एंड प्लस 3 = 83 carry 8, एंड 16 × 1 = 16, एंड 8 = 24, so this will be 0.24336 newton, that will be answer of this question. It means in literal sense we can say when charge will be doubled and
distance will be half, then electrostatic force of attraction or repulsion will be 16 times. That question, same question can be asked in objective examination as well. So, simply you may remember that when charge will be double both the sides, then 2 into 2, 4 times, and radius will be half. So, 2 square will come in numerator, that will be also 4. So, 4 into 4, 16 times. So, this will be 16 times of the initial force. I hope you got it, got this point. और इस तरीके से कुछ न्यूमेरिकल जो हमने किए हैं, जिससे ये पता आपको चलेगा कि कूलम्स लॉ का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन कैसे ज्ञात कर सकते हैं. सो होपफुली यू गॉट इट. आई होप कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी. आगे कुछ मुश्किल न्यूमेरिकल और हम करेंगे, बट फिलहाल इस को समझने के लिए जो बीच बीच में न्यूमेरिकल्स हैं, ताकि उसको समझा जा सके, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं वो अच्छी तरह से आपको समझ में आए. सो आप देखते रहिए, अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है. टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस.